से सामने आ रही है, जहां पर वार्ड नंबर 38 के अंदर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल चल करके उन्होंने वार्ड के लोगों की जन समस्याओं को सुना है और उसके निस्तारण की बात भी कही है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार वह कहां कहां पर गए और उनके सामने क्या क्या समस्याएं रखी गई है। जयपुर के अंदर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वार्ड नंबर 38 के परिवहन नगर, गणेश कॉलोनी, शिव विहार, कुमावत कॉलोनी सहित आसपास की सभी कॉलोनियों में जन सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर के लोगों से जन संवाद स्थापित करके पैदल 10 किलोमीटर यात्रा करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी हैं। कोरोना संकट में सरकार के कामकाज और विकास योजनाओं को लेकर के लोगों का मानस जाना है और खाचरियावास को इस दौरान लोगों ने आगे बढ़कर कांग्रेस की गहलोत सरकार के द्वारा कोरोना संकट में किए गए कामों के लिए और लगातार किए जा रहे विकास कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना संकट में राजस्थान की जनता की जो सेवा राज्य की गहलोत सरकार ने की है उससे लोगों में उत्साह और सरकार के प्रति सम्मान बढ़ा है। खाचरियावास के साथ पदयात्रा के दौरान JDA, नगर निगम, जलदाय एवं बिजली विभाग सहित पुलिस के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी साथ चल रहे थे और मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया गया। बहुत जगह लोगों ने साफा और फूलमाला पहनाकर के मंत्री खाचरियावास का स्वागत भी किया है। तो वहीं खाचरियावास ने कहा कि लोगों के बीच में जाना, उनके हालचाल पूछना हमारी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है।